कि uh, पाकिस्तान के हरे झंडे में आपको बरीयल किया जाए और ये भी मुझे था कि पहली बार ये ख्याल आया कैसे आपको व्हाट वाज द बिकॉज़ जब मैंने आपकी ये बात सुनी आई वाज सो फैसिनेटेड मैंने कभी नहीं सोचा था इस चीज के बारे में एंड आई वाज लाइक वाओ दैट वुड बी एन ऑनर एंड दैट वुड बी समथिंग दैट यू वांट अपनी फैमिली में अपने भाई को जो मेहर से बड़ा था शहीद जी बड़े ऑनर के साथ नेशनल फ्लैग में कबर में जाते देखा है। अच्छा शहीद थे आपके पाकिस्तान तो पहली मेरी जो थी और उसके बाद पहली बात है गए फ्यूनरल्स में जनाजों पे। और दूसरा फिर मैंने चुनेद चमशेफ वाला देखा जी। तो पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया आप इसको ऐसे देख लीजिए कि एक आप मैं माए हमारी प्यार भी करती हैं और फिर उनकी वो नसीहत भी यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड होती है मेरी बीवी अक्सर ये समझाती है कि यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड तो माँ सख्ती भी करती है पेड़ भी लगा देती है सख्तियाँ भी करती है ग्राउंड भी कर देती है आपसे आपका आई आज के ज़माने से देखें तो आई छीन लेती है लेकिन वो माँ ही होती है सही बात है तो ऐस ये दर्जात होते हैं प्यार मोहब्बत इश्क फना तो अगर आपने वतन के साथ यानी माँ धरती के साथ प्यार किया तो शायद खत्म हो जाए छोटी सी बात पे नाराजगी हो जाए तो ये तो डिपेंड करता है कि आप आपके इमा का दर्जा क्या है अपनी वतनीयत आपकी क्या है आपकी आप में पाकिस्तानियत क्या है मैं तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि मैं होने वाले वाकियात हादसा को पाकिस्तान के मुआवजात और मुमकिनात से मिक्स नहीं करता दे आर सेपरेट लिहाजा ये एक परपेचुअल अमल है और मुझे इससे ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने अपनी औलाद में यह देखा है hmm. और बगैर hmm. कहे ये कोई इनडॉक्ट्रेशन कोई सरेंज तो नहीं है मैं लगा दूँ चलो बच्चों आँखें बंद करो या ये गोली खा लो हर hmm. संडे को तो वतन हो जाओगे तो जो नेशनल स्टैंडर्ड या झंडे वाली जो बात मैं करता हूँ शायद देखिए हर इंसान को उसके अंदर उसका सच होता है चाहे कई वो हैं जो ज़ुबान पर ले आते हैं कई वो हैं जो एक मखसूस चंद अफ़रा के साथ वो आ, अपनी गुफ्तु -गु के दौरान वो शेयर करते हैं यू, यूजली फ्रेंड्स एंड फैमिली एक वो होते हैं जो ओपनली और शेयर करते हैं तो बहरहाल हर इंसान के अंदर और कुछ होना हो हो रूह के अलावा सच होता है वो उसको कितना उजागर करता है या दबाता है ये उस पर मैसर है तो अगर आप मन में झांकते हैं तो फिर आपको एक्चुअली पता लगेगा कि यार ऐसी कोई वजह हुई नहीं है मेरी नज़र में नहीं हुई तो मैं कंफ्यूज नहीं करता तो आई कैसी okay. है वजह और बहुत खूबसूरत है अगर ख़राबियाँ तो हाँ शायद मेरे में होंगी मैं एक मुल्क यानी एक वतन का जो लफ्ज़ी मायना है वो है ज़मीन जमीन अस खुद तो कुछ नहीं करती आपने दुनिया में कहीं पढ़ है? के जमीन कहे के आवाज मारे जमीन से आवाज आए रिश्वत ले लो yeah. कोई पहाड़ आपसे सदा लगा रहा हो के yeah. बुरा काम करो yeah. करप्शन करो एसेंस मीन करो मीन कहीं नहीं आया किसी yeah. बादल ने आपको ये नहीं कहा yeah. कि कोई मतलब yeah. चोरी करो yeah. ये तो हमारा किया दर है yeah. तो True. घर तो सारे एक जैसे होते हैं रिहायशी जो है उसको मकान जो है बेहतर बनाते हैं मुझे आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए मैंने कहा

जहाँ आपकी सच होता है उसके साथ ही उससे आगही जुड़ी होती है इनलाइटनमेंट mm. अवेयरनेस mm. तो वो जो इन है यानी इवन mm. मैं ये बात नहीं कर रहा हमारी आपकी अगर आप स्पिरिचुअली भी पढ़ें और देखें तो वो जो चक्रास है mm. वो जो इनर जो मेडिटेशन है वो करती क्या है चाहे आप नमाज नमाज की फॉर्म में मेडिटेट करें या आप किसी और फॉर्म पे करें hmm. आप सिंपली सांस लेना भी तो वो मेडिटेशन है जो हम 24 घंटे कर रहे होते हैं विदाउट yeah. राइट yeah. yeah. right? तो जो उस कनेक्ट से अवेयरनेस पर जाता है मैं समझता हूँ और दूसरा मैं समझता हूँ कि ये जो आपने पहले ही इतना लोडेड क्वेश्चन किया है <laughs> कि आप अपने बारे में हर चीज़ बदल सकते हैं आपको मुकम्मल आज़ादी है आजकल के जदीद दौर में फ्रीडम इंडिविजुअल एंड एज ह्यूमन टू चेंज योर रिलीजन मुल्क छोड़ दें आप दोस्त बदल लें आप दो चीज़ें नहीं बदल सकते अपने बारे में hmm. एक आपकी वल्दियत जिसके हाँ पैदा हुए और दो आपकी वतनीत जिस जगह पैदा हुए ये दो चीज़ें कांस्टेंट हैं और एक दिन किसी ने मुझे कहा और तीसरी भी है आपकी फ़ितरत वो बात भी ठीक है लेकिन मैं इस परस्पेक्टिव से कह रहा हूँ तो जब आपको ये मालूम है कि अपने बारे में आप दो चीज़ें बदल नहीं पाते तो क्या ही बेहतर हो कि फिर उन दोनों चीज़ों को जानने की कोशिश करें

अच्छा इसके दो زاویه देखने के पहले पहले उससे पहले बताएं ये स्टार्ट कब हुआ था लाइक आई एम श्योर हो रहा होगा लेकिन आपने नोट कब करना शुरू किया कि बचपन में कुछ बहुत बचपन में कुछ तितलियां जो हैं वो आपके के बटरफ्लाइज आपके बहुत बचपन में एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीटेंशियस बटरफ्लाइक प्रीटेंड करें रियल बट रियल बटरफ्लाई जी ऐसे जैसी कहानी वो खुद सुनाएंगे डॉन के अंदर अगर आप कभी गूगल गूगल करें ना डॉन के अंदर एक पूरा आर्टिकल आया था इस पे आई थिंक 2002 में ओके

तो अपना एक्सपीरियंस तो बचपन में ये होता था hmm. तो मेरे खिलौने जहाँ मैं खेल रहा होता था वो घूम जाते थे मैं खेल रहा हूँ किसी जगह भी और मैं चला जाऊँ थोड़ी देर के लिए अम्मी बुला लें बाथरूम जाना हो hmm. कोई भी रीज़न हो वन आई वुड कम बैक आई वुड लूज़ माई टॉयज और घर अकेला होता था यानी एक कोको होता था बाकी बहन भाई स्कूल वगैरह hmm. गए हुए होते थे फादर वॉज ऑन द जॉब माँ कभी वो दोस्तों में या घर में मैं ढूंढता था फिर उसको और वो हर बार मुझे किसी नई जगह से मिलते थे मुख्तल खिलौने हमेशा घूमते थे hmm. जहाँ से मैं मुझे, फिर मैं उसको ढूंढता था बच्चा था यू you नो know, मुझे मिलते थे तो वहां पे खिलौनों के साथ hmm. तितलियां निकलती थी अगर रहे हैं जी अलमारी दराज छता okay. कभी